नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही तेजस्वी यादव गायब हैं। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हो रही मौतों के बावजूद भी तेजस्वी यादव ने अब तक ना कोई ट्वीट किया है और न ही वह मीडिया के सामने आए हैं। इसको लेकर लगातार नेताओं से पूछी जा रही है कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ है। राजद के नेताओं से पूछी जा रही है, महागठबंधन के नेताओं से पूछी जा रही है कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ गायब हैं। इसको लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हुई। उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया कि आखिर तेजस्वी यादव ने इतने बड़े मुद्दों को लेकर अब तक कुछ क्यों नहीं बोला, कहाँ है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुने। मैं जो साथी हैं गठबंधन के साथी, उनको पता, आपको पता है कि तेजस्वी यादव कहाँ रहते हैं? अपने पर्स के लोग को आप लोग दिखाते नहीं या नहीं रहते हैं, तो पूछ रहे हैं जी, तो क्या आपको पता है कहाँ यादव पूरे मामले में नदारद है, कहाँ है किसी को पता नहीं, आपको भी नहीं पता, रघुवंश बाबू को भी नहीं पता है। रघुवंश बाबू बोल रहे हैं शायद वो वर्ल्ड कप का मैच देखने गए। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू नहीं है, और न कोई जो घटना मुजफ्फरपुर में घट रही है उससे संबंधित इशू है, न हमारे सभी सदस्यता अभियान से संबंधित या कोई इशू है, इसलिए इस इशू पर क्या बात करें। लेकिन नहीं लगता है तेजस्वी यादव को होना चाहिए था, रोड पे उंगली उठाया जाना पुराना हम हरकत है, उस सवाल पे हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं है और उन्हीं के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप का मैच देखने गए। हमने कहा कि यह विषय पॉलिटिक्स का नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, सब काम कर ले तो सहयोगी की जरूरत क्या है? सवाल बनता है कि चुनाव के मंच सब एक साथ, लेकिन जब समस्या होती है तो सब अलग अलग हो जाते हैं। कोई अलग होने की बात नहीं है। देखिए, सहयोगी का मतलब ये है कि कोई काम हम करें, कोई काम हमारा सहयोगी करे, इसलिए तो सहयोगी होता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जो कि रालोसपा के प्रमुख हैं, साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था मुजफ्फरपुर मुद्दे को लेकर, और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। वो ये कहकर कटते रहे, उन्होंने तेजस्वी के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।